सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके पास होने के लिए दो उपाय बचा है। अगर इन उपाय को आप आज से ही अपना लेते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। इससे 20 से 30 नंबर, अगर ये वाला ट्रिक आप लगाते हो तो आपके एग्ज़ाम में 20 से 30 नंबर ईजिली बढ़ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में बिना पढ़े कमजोर छात्रों को पास होने के लिए दो उपाय बचा है। पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है गाइज। इस ट्रिक को आपको लगाना है यार। अगर इस ट्रिक को लगा दो तो टीचर खुशी से पागल हो जाएगा और आपके औकात की पता आपकी कॉपी से चल जाती है। आपके शुरुआती पन्ने जो होते हैं वो आपके स्किल की पता बता देते हैं एग्जामिनर को कि छात्र कैसा है और वो पढ़ाई में किस तरह से है और उसके अंदर कितना ज़्यादा स्किल है, ठीक है। तो आपके शुरुआती के 2 से 4 पन्ने जो होते हैं वो एग्जामिनर आपकी परिचय जानने के लिए काफ़ी होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आप करते हो और कुछ उपायों को मैं बताऊँगा। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है तो अब सिर्फ सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन बैंक हो गए, ठीक, अनसॉल्व पेपर हो गए, उनको देखो और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बार रिपीटेड क्वेश्चन है उन सभी को पढ़ो आप, ठीक है। उन सब क्वेश्चन को, आंसर को सॉल्व करो आप। ज़्यादा से ज़्यादा जागने का कोशिश करो, भोर में पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और शुरुआती जो पेज होते हैं उसमें आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये वीक छात्र यानी कमज़ोर छात्र है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको मैं बता देता हूँ आपको। यार अगर कोई भी क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये मेरा गलत हो गया, तो आपको इस तरह से इसको काटना है, ठीक है। ये इस तरह से काट देना है कि उनको पता ना चले। ये नहीं कि आप इस तरह से काट दो या इस तरह से कर दो, एक पाई आपको इस तरह से खींचना है। तो देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक होता है कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए तो उसे छोड़ना मत। अगर आपको क्वेश्चन पेपर से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिख देना है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए, प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में शिखर का मान इतना दे रखा है, इसका मान लिखिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सपोज आपको नहीं आ रहा है तो अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। पहले तो आपको इसको देखो, इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप का दे दिया है। तो सबसे पहला काम आपको कि मैक्सवेल का प्रकाश संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आपको डाल देना है, ठीक है। मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत डालने के बाद अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कीवर्ड पता हो, अगर आप कुछ भी पढ़े हो या चुंबक से ही रिलेटेड या तरंग से ही रिलेटेड कुछ भी पढ़े हो तो उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। नंबर ऐसा नहीं कि कोई टीचर आपको ना दे। इसके साथ ही दूसरी बात इसमें आ जाती है कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिया है, अगर इन सब न्यूमेरिकल को आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे इसके बाद न्यूमेरिकल वाले को करना है, दिया है के बाद जो चीज़ें दिया है इसको लिख देना है और C बराबर इतना दे रखा है दिया, इसके बाद हल लिखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें स्टेप मार्किंग होती है। अगर ये चीज़ें अगर इस क्वेश्चन को भी आप लिख देते हो तो आपके आधे मार्क्स मिलते हैं अगर 2 नंबर के हैं तो। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। इन सब चीज़ों को ध्यान देना, अगर कुछ भी नहीं आता तो उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है। देखो, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देना, टीचर नंबर देते हैं आपको। अगर कीवर्ड कुछ भी पता है, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आपको लिखना है। ये नहीं कि उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दे, छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपको लिखना ही लिखना है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट स्टेप की कि हैंड राइटिंग सुधार लो और जल्दी लिखने का प्रयास करो। ये हैंड राइटिंग कैसे सुधरेगी, अगर सपोज आपकी हैंड राइटिंग नहीं सुधर रही है, ठीक है, तो आपको अगर राइटिंग, जिससे ये राइटिंग मेरी पुअर है, अब इस राइटिंग को थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए आपको क्या करना है, 90 डिग्री पर लिखना है, 90 अंश पर बिल्कुल सीधा सीधा, और साथ ही साथ एक पेन की दूरी, शब्दों से शब्दों के बीच के एक पेन की दूरी अगर आप लिखते हो तो आपकी जो लिखावट होगी वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होगी। ये चीज़ों को आप देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छी लगती है, जल्दी लिखने का प्रयास करो। अगर आप डेली 1 पेज 2 पेज लिखोगे, ठीक है, जैसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपको लर्न नहीं होते तो उनको क्या करो, लिख लिख कर याद करने की कोशिश करो। पढ़ लो एक बार, पढ़ने के बाद लिखो, जो आपके दिमाग में तो वही चीज़ें लिखो, उसको लिख कर याद करो। तो यही सब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना है, क्योंकि टीचर आपके 2-4 पेज देख कर ही आपके औकात की पता लगा देता है। 2-4 पेजों में ओवर राइटिंग नहीं करना है,
कोई भी पेज को छोड़ना नहीं है, उसमें लाइन दे देना है ब्लैक स्केच से, उसके बाद लिखना है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हो, केयर करते हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है।